नाम तोहर लिखल रही तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जो प्रीव्यू में देखा स्टार्टिंग में, अगर आप वैसा स्टेटस बनाना चाहते हैं अपना फोटो को लगा करके, तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 3 फाइल का, जो कि वो रिडायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा। वहाँ पर हमने पिन करके रखा हुआ है, तो आप वहाँ से उसे इजीली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको डाउनलोड करने के बाद अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद अपने डाउनलोड फोल्डर को ढूंढ लेना है। उसे ढूंढने के बाद आपको 2-3 फाइल मिलेगा, उस तीनों फाइल को ढूंढ लेना है। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको जो ये XML फाइल दिख रहा है, इस XML फाइल पे एंड प्रोजेक्ट फाइल पे दोनों पे पड़ा है पासवर्ड, दोनों का पासवर्ड आपको सेम देखने को मिलेगा। तो पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा, तो वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सारी फाइल को डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर अगर जो नए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा देना। तो गाइस आपको क्या करना है, अब आपको एक XML फाइल को ओपन कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको शेयर कर लेना है इसको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। अलाइट मोशन एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद आपको इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो आपको ये जो प्रोजेक्ट फाइल है हमारा, आप डाउनलोड करिएगा, उसमें आपको फोटो वगैरह सारा दिख जाएगा। तो वो सारा आपको हमारे इस जो XML फाइल है, इसमें आपको सब फोटो दिख जाएगा। आपको फोटो भी कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारी फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आपका अपना फोटो लगाना है। तो आपको क्या करना होगा, जूम कर लेना है इस तरह से अपनी दो उंगलियों से। यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है, फोटो पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद रेमिनी पे क्लिक कर देना है। रेमिनी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फोटो अपने अकॉर्डिंग इसको लगा लेना है। ठीक है, तो फोटो को लगाने के बाद आपको बैक करना है, आपको अपना फोटो चेक कर लेना है कि फोटो आपका कैसा दिख रहा है। अगर आपका फोटो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो आप अपने अनुसार इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको सेकेंड फोटो पर क्लिक करना है, फिर से आपको कलर पे क्लिक करना है, स्टार वाले बटन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं अपना ये फ़ोटो ले रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप फ़ोटो ले लीजिएगा। आपको इस तरह से बैक करना है, बैक करने के बाद आपको देख लेना है कि आपका फ़ोटो कैसा दिख रहा है। तो हमारा जो फोटो है टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा करने के लिए आपको एडिट शेप पे जाना है, जो सेकेंड वाला दिख रहा है Y435, इसको इस तरह से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो जो आपका देख सकते हैं फ़ोटो में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। तो इसको पकड़ करके कुछ इस तरह से इसको नीचे स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। ठीक है, तो इसको जब आप नीचे लाएंगे, तो आपको देख सकते हैं फ़ोटो ऐसा दिखेगा। उसके बाद कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ऐसे। तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, आपको एडिट पिक पे इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंजलि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नाम शो हो गया है अंजलि। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट पे जाना है, इस इफेक्ट को आपको यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। तो आपका जो है ये राइड, आप देख सकते हैं कितना ऑसम, कितना कमाल का लग रहा है। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ऐसे ही आपको सारे फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है। गाइस अगर मैं सारे फ़ोटो को ऐड करूँगा, तो वीडियो का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्किप कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जहाँ अभी करना होगा वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा। एडिट शेप पे जाना है, फिर से आपको इस तरह से फ़ोटो को इसे फुल स्क्रीन करके इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद अगर इसे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आप देख सकते हैं इस फोटो अगर आपका जैसा भी होगा अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर लेना। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, इस पर भी आपको क्या करना है, यहाँ भी अगर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, आई हेट यू भी लिख सकते हैं, आई लव यू कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको जाना है एडिट टेक्स्ट पे लिखना है, यहाँ से आप अपना कुछ भी नाम लिख। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको तीनों को इफेक्ट को इनेबल कर देना है। तो हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, और आगे आ जाना है, आपको ऐसे ही करके सारी फ़ोटो को ऐड कर लेना है।
सो ऐड करने के बाद आपको अब लास्ट में क्या करना है, आपको एकदम नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके नीचे एकदम आ जाना है, तो आपको देखने को मिलेगा एक म्यूज़िक जो है कि ये कट का बना है, तो इसको आपको कट करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है, बी वॉल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद कई आपको इस सॉन्ग पे चले जाना है, आपने जो डाउनलोड किया होगा वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो मैं एल्बम पे क्लिक कर देता हूँ, ऑडियो पे चला जाता हूँ, यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो जो हमारा ऐड हो चुका है आप देख सकते हैं एकदम बज रहा है अच्छे से, स्टेटस। तो दोस्तों हमारा ये स्टेटस अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाना, पासवर्ड आपको मिल गया होगा वीडियो में कहीं भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना है, जो भी एफपीएस मैंने सब सेट करके रखा है आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के टाइम आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, करीब आपको 10 से यहाँ पे आपको दिखाएगा 15 से 20 मिनट, लेकिन आपका ये चिप 2 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाय।